तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर देना, 16K सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल है और मैं होप करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग वो पूरा कर दोगे। एंड गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को गिव अवे के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो 15K के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और मैंने बोला था 15K पे गिव अवे करूँगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस जो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है गौडल के अमर को लेके। तो उनसे लाइनअप के बारे में, रोस्टर के बारे में पूछा जा रहा था कि उनका BGMI में क्या रोस्टर होने वाला है, तो उस पर उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। लेजर स्पोर्ट्स है, उनसे लोग पूछ रहे थे कि जो टीम सोल है, मवी हैं, स्काउट हैं, ये सब हमारे को कब खेलते हुए दिखाई देंगे। तो उस पर उन्होंने रिप्लाई करा और उन्होंने कुछ ये बोला कि जब गेम आ जाएगा उस चीज़ की सिर्फ वेट है, सिचुएशन जो है वो ऐसी हैं कुछ कि वो अभी नहीं खेल रहे और जैसे ही गेम आ जाएगा वो सब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये क्लिप में नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सबके सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है नोवा किंग को लेके। तो जो नोवा किंग हैं उनसे जो मवी हैं उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे पूछा था कि BGMI आने के बाद वो क्या करेंगे, तो इस पे उन्होंने क्या कहा वो आप लोग देख सकते हैं। नोवा BGMI आने के बाद तो क्या करेगा? मैं कंपटीटिव तो नहीं खेलूंगा कम से कम। BGMI आने के बाद 50-70 लोग स्ट्रीम किया करेंगे ना इकट्ठे? हाँ करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, करने दे। नहीं वैसे, वैसे बोल रहा हूँ मैं भी रैंक पुश करूँगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मॉडलिंग कॉप्स के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मॉडलिंग कॉप्स है वो बहुत बड़ा टवा रहे हैं दुबई के कोका कोला अरीना स्टेडियम में, जिसका जो प्राइस पूल है वो है 1,12,00,000 रुपीज़। तो जिसने भी अभी तक रजिस्टर नहीं कराया जल्दी से जल्दी जाके रजिस्टर कर दो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें हमारे को बहुत सारी बेस्ट टीम्स देखने को मिलने वाली हैं, TSM BTR। तो जल्दी से जल्दी जाकर रजिस्टर कर दो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है नियो को लेके। तो जो नियो है उनसे लोग सोल के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने इस पे क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। सोल इज इक्वल टू हार्ट, TSM इज इक्वल टू ब्रेन। नहीं, सोल इज इक्वल टू हार्ट, TSM इज इक्वल टू हार्ट बीट। तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो नियो है वो बहुत ही काम रिप्लाई करने लग गए हैं और अब वो कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहते हैं। तो हमारे को भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए और एकदम पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। तो जो नियो है उनसे पूछा गया था कि जो ओवेज हैं वो TSM को ज्वाइन करने वाले हैं नहीं, तो उस पर उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो भी आप लोग देख सकते हैं। पता है कि जो BGMI का एक सिनेमेटिक ट्रेलर आज आने वाला था और वो नहीं आया है। तो जो सरबजीत है उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड करी। आप लोगों को नहीं पता होगा सरबजीत कौन है, तो वो एक आर्टिस्ट हैं क्राफ्टन के, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करी जिसमें उन्होंने बोला 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग कि सिनेमेटिक ट्रेलर आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक नीचे नोट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द प्रोजेक्ट, वेट करो ऑफिशियल पोस्टर की और आप लोगों को सब पता लग जाएगा। तो गाइज़ अब बात करते हैं BGMI के लॉन्च डेट के जो हिंट्स आज हमारे पास निकल के आते हैं वो। तो सबसे पहले हमारे को BGMI का एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखने को मिला जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनका जो सम है वो पूरा मिलाकर 18 बनता है। तो सबसे पहला जो हमारा हिंट है वो निकल कर आता है कि जो इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि 18 को गेम आने वाला है एंड इस पे बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसको अपने इंस्टाग्राम पे लगाया है। तो घातक ने भी इसको इंस्टाग्राम पे शेयर करा, उसके बाद जो जी गॉड है उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे इसको लगाया था। तो आप लोगों को ये पोस्ट देख के कैसा लगा और ये हिंट आप लोगों को सही लगता है नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बाद जो क्रॉन्टन है उन्होंने भी साफ साफ हिंट दिया है 18। तो गाइज़ आप लोगों ने देख लिया होगा ये एक बहुत बड़ा हिंट है जो कि एकदम क्लियर बता देता है कि 18 जून को जो BGMI है वो लॉन्च होने वाला है। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है मैक्सटन को लेके। तो जो मैक्सटन है उन्होंने एक ट्वीट करा है जिसका मतलब मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जहाँ तक लगता है मेरे को ये BGMI का एक हिंट है। आप लोगों को कुछ समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो सारी SATUL को लेकर होने वाली है। तो जो ठग है उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने लिखा था सोल लाइनअप मेजर हिंट्स फाइनली, और इसके बाद उन्होंने वीडियो में क्या बोला था पहले आप लोग एक छोटी सी क्लिप देख सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की बात एक्सप्लेन करता हूँ। भाई 3 लौंडे मेरे तैयार हैं, 2 लाने हैं, बात हुई हुई हमारी, बात कर लो, मैटर क्लोज करो, इस बार टीम सोल की फतेह।
तो गाइज़ अगर सबसे पहले आप लोगों ने ये वीडियो पूरी नहीं देखी है तो वीडियो पूरी जाकर देखना, मेरे को ये वीडियो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जो ठग है उन्होंने बोला है कि जो हमारे 3 प्लेयर हैं वो रेडी हैं और 2 से बात चल रही है, और आप लोगों को भी पता है वो 2 प्लेयर कौन है क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे हिंट्स लीक सब कुछ दे रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। और 3 प्लेयर जो हैं वो तो सबको पता ही है, 2 तो गोल्डी भाई ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए थे, रेगा और वाइपर। जो 3rd प्लेयर है वो हमारे को मोर्टली देखने को मिलने वाले हैं, उसके भी बहुत सारे लीक्स मैंने आप लोगों को दिए थे। तो गाइज इसके बाद जो रेगल टॉस है उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी जिसमें उन्होंने लिखा जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड BGMI विल बी हेयर, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर इट्स फर्स्ट स्ट्रीम। तो गाइज आप लोग भी बताना मेरे को कमेंट करके कि आप भी एक्साइटेड हो रेगा को BGMI खेलते हुए देखना चाहते हो आप या नहीं, और आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो बहुत ज़्यादा इस पर एक्साइटेड हूँ। एंड गाइज एक और हिंट जो हमारा निकल कर आता है BGMI को लेके, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स ने आज एक हैशटैग यूज़ कराया जिसका नाम है प्री रजिस्टर किया क्या, तो ये भी एक खुद एक हिंट है डेट को लेके क्योंकि जब आप इसके जो पूरे वर्ड्स हैं उनको टोटल करोगे तो वो भी 18 निकल कर आते हैं। तो गाइज इसी पे बहुत सारे जो SA12 के क्रिएटर्स हैं उन्होंने रिएक्ट कराया, उन सब की वीडियो की एक छोटी छोटी क्लिप आप लोग देख सकते हैं। क्या लगा गुल्ली बाजी, रिस्पेक्ट वार्मिंग गेम में, आई एम गुड, BGMI कमिंग सून, यस इन्फीरियट वेरी सून, आप इससे मजे वापिस से लोगों के बदलते चेहरे सब देखने को मिलेंगे, जो साथ था वो साथ रहेंगे। पहले मैं सोचा बाकी आप लोग जानते हैं, इतना करते 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 रह गया भाई। अरे ला आया नहीं है भाई, तू मेरे को दे भाई, मैं करता है तेरा रजिस्ट्रेशन, सीधा एक क्लिक, गेट नोटिफाई प्री रजिस्ट्रेशन व्हेन अवेलेबल और रजिस्टर, बस एक सेकंड का काम है। आप सब तो जैसे कि आप सबको पता है एक गेम आने वाला, वही गेम जिस पे हम लोग पोचिंग की उतरते तो थे लेकिन गन नहीं मिलता था, इस बार हम लोग रेडी है गन के साथ। जैसे पोचिंग की आया, पोचिंग की में लैंड, वैसे हम लोग को गन मिलेगा। सो हम बात कर रहे हैं BGMI गेम के बारे में जो कि बहुत जल्द आने वाला है। सो आप लोग ने प्री रजिस्टर किया क्या? नहीं किया। विच गेव मी अपॉर्चुनिटी for what I am today. The most awaited game is about to come. We are almost there to rebuild our memory and celebrate chicken dinner all together once again. मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो दिमाग में मेरे भी चल रहा है। So the game which I'm talking about, it's none other than Battleground Mobile India. क्या अभी तक नहीं समझे? अरे वापिस आ रहा है a new game for India, Battleground for India. अभी तक नहीं समझे? अरे नया गेम आने वाला है क्राफ्टन की तरफ से स्पेशली फॉर इंडिया, जिसमें आप लोग फिर से वो Battleground वाले मजे ले सकते हो, वही हम। तो गाइस कैसा लगा पूरी SA12 का आप लोगों को रिएक्शन, और यही हम लोग देखना चाहते थे कि जो SA12 है वो रिएक्ट करे BGMI पे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है मॉर्टल को लेके। तो आप लोगों को पता होगा जो पांडा है उन्होंने मॉर्टल को एक चैलेंज दिया था जिसमें उन्होंने जगलिंग करी थी 70 टाइम्स, उसके बाद जो मॉर्टल है उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी अपने चैनल पर, उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और फाइनली जो मॉर्टल है वो जीत चुके हैं। मॉर्टल का जो स्कोर था वो था 128। तो बस गाइज न्यूज़ तो मेरे पास आज इतनी ही थी, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में 2 चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज़ निकल कर आती है वो है व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को कहाँ पे ऐड करूँ, तो बहुत सारे लोगों का जो वोट था वो आया था व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ जो कि 15K सब्सक्राइबर्स पर बनाने वाला हूँ, और वो शायद 1-2 घंटे में हो जाएंगे। तो आप लोगों को कम्युनिटी टैब में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद बात करने वाला हूँ गिव अवे के बारे में। तो पिछली बार जो गिव अवे का जो गोल था वो था 10K सब्सक्राइबर मंथ एंड तक, और इस बार का जो गोल है वो है 30K सब्सक्राइबर्स का इस मंथ के एंड तक। अगर आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो सबके सब सब्सक्राइब कर दोगे तो ये गोल बड़ा नहीं है। तो गाइज़ अगर मेरा ये जो गोल है वो पूरा हो जाएगा तो मैं गिव अवे करूँगा या तो गेमिंग हेडफोन्स का या फिर 15 रॉयल पास का। तो आप लोगों का क्या कहना है कि अगर मेरा गोल पूरा हो जाएगा तो किसका करूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर इन केस मेरे 50K सब्सक्राइबर हो जाते हैं इस मंथ के एंड तक तो बहुत ही बड़ा गिव अवे आने वाला है। मैं गिव अवे करने वाला हूँ iPhone XR का, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि 50K सब्सक्राइबर्स में अभी 35K सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आप लोग ये पूरा कर दोगे तो iPhone XR का गिव अवे करने वाला हूँ विद प्रूफ करने वाला हूं, आप लोगों को कहीं पे भी नहीं लगेगा कि ये स्कैम है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स आप कर सकते हो।